अगर ऐसा हो तो ठीक है चलो. डिपेंडेंसी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ किसके प्रोपोर्शनल है. देखो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस में वेरी करता है. ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि मेरे लिए क्वेश्चन बहुत लकी था. लकी क्या, लकी कुछ नहीं होता है ठीक है. एक्चुअली जब मैं कोचिंग में पढ़ाया था तो सभी के मॉड्यूल में ये वाला ग्राफ दिया हुआ है और मैं हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ग्राफ बनाता हूँ. मेरा थियरी वाला कॉन्सेप्ट देखना, मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ग्राफ बनाता हूँ क्योंकि सभी बुक में मॉड्यूल में सभी इन कोचिंगों के मॉड्यूल में ये वाला था और बच्चे यही करके सही आए थे ठीक है. तो उन सभी बच्चों का जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया था. जिसको मैं पढ़ाया था, जो मेरे से पढ़े थे, जिस बैच में मैं पढ़ाया था, बस वही सही करके आए थे फर्स्ट ऑप्शन ठीक है. तो इट वॉज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है. कि अभी तुम बुक खोलना देखना, यही ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ नहीं मिलेगा ठीक है. क्योंकि ये अब ये दोनों एक साथ आ गए ना, इसलिए वेक्टर का ध्यान रखना. चलो अब इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ. अर्थ क्या, एक होमोजीनियस स्फीयर है. अर्थ एक होमोजीनियस स्फीयर है और होमोजीनियस स्फीयर का एक्स डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है जी एम एक्स ओवर कैपिटल आर स्क्वायर. याद है ना, दिस इज द. और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, ओ सेंटर की तरफ होती है ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. अंदर में सेंटर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा जो कि जी एम ओवर आर, अरे भाई ये क्यू आता है ठीक है, आर क्यू ठीक है. तो ये तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा जो कि जी एम ओवर आर स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू आर के इक्वल है ठीक है. और उसकी डायरेक्शन अभी भी इधर ही होगी ठीक है. मतलब इससे तुम, मतलब ये हुआ ठीक है. और बाहर में जो बाहर में जी की वैल्यू है, बाहर में जी की वैल्यू जो फील्ड होती है, हम सबको पता है कि बाहर में फील्ड इज इक्वल टू जी एम ओवर एक्स का स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम ओवर एक्स का स्क्वायर बाहर में, सरफेस पे जी एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर में ये होती है. और इन सभी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है. आई एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटर से चलूँ, अगर मैं सेंटर से चलूँ, सेंटर से जाता हूँ, कहाँ जाऊँ भैया, इन्फिनिटी को ठीक है. तो मैं ग्राफ अगर वेक्टर में बनाता हूँ तो ग्राफ किस कोऑर्डिनेट बनाएगा, ए एक्स है और ये इधर ग्रेविटेशनल फील्ड आई है और इधर माइनस आई है ठीक है. अब ग्राफ अगर मैं सेंटर से चलता हूँ, समझना, अगर मैं सेंटर से जाता हूँ तो मैं इधर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया और इसके जो अपोजिट है, इसके अपोजिट वेक्टर वो मैं निगेटिव लूंगा, माइनस आई, समझ ना भाई. इस डायरेक्शन में आप प्लस ले लिए तो इधर उसके उल्टा तो माइनस लोगे ना ठीक है. तो प्लस और माइनस मतलब ग्राफ जो है वो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ठीक है. ये इस कोऑर्डिनेट में ग्राफ हम लोगों को दिखेगा ठीक है. किसमें दे, प्लस और माइनस, हाँ ये फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में ग्राफ दिखेगा ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अब चलो यहां से चलो तो यहां से जाओगे तो वेक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फिर सरफेस पे मैक्सिमम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद वन अपॉन एक्स स्क्वायर का कर्व ये अप टू इन्फिनिटी पे जाके एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और जी आई अप्रोच टू जीरो. तो दिस इज द ग्राफ इन वेक्टर फॉर्म. और यही ग्राफ जो बुक है, उन सभी जो जितने भी बुक है, मॉड्यूल है, उन सब में सिर्फ मैग्नीट्यूड में ड्रा किया हुआ है और ये ऐसे है ठीक है. ये दोनों सही है अपने प्लेस पे, ये दोनों सही है अपने प्लेस पे ठीक है. ये मैग्नीट्यूड में है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी है, डायरेक्शन भी बता रहा, मैग्नीट्यूड भी बता रहा, तो ये ज़्यादा सही है, कम सही है ठीक है. अब जब दोनों आ गए तो ये सही है ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बात. मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है.